इस साल होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज कई रणनीतियों के साथ तैयारी कर रही है। दार्जिलिंग हिल्स की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने भी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी बेस मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर के पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बनाई है। पार्टी ने इलेक्टेड ग्राम पंचायत और पंचायत समिति मेंबर्स के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर दिया है और उन्हें आने वाले दिनों में क्षेत्र के हर घर का दौरा करने के लिए कहा है। जुलाई 2023 में दार्जिलिंग हिल्स ने 23 सालों में पहली बार पंचायत मेंबर्स चुना। सोर्सेस के मुताबिक BGPM के इलेक्टेड विलेज लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है। गुरुवार को पार्टी ने बिजनबाड़ी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग्स की। साल 2000 के बाद अनित थापा के नेतृत्व वाली BGPM स्टेट गवर्नमेंट को पहली बार पंचायत चुनाव कराने के लिए मनाने में कामयाब रही। यह पार्टी लैंड राइट्स देने की कोशिश कर रही है और साथ ही हिल्स में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जैसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पर काम करने की कोशिश कर रही है। BGPM के वाइस प्रेसिडेंट सतीश पोखरेल ने कहा कि BGPM ने बुधवार को सुखिया पोखरी में रूरल एरियाज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग की थी और वे जल्द ही कौशंग, मीरिक और कलिंगपोंग में इसी तरह की मीटिंग रखेंगे। पार्टी लीडर्स ने यह भी कहा कि मीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच की कोई भी गलतफहमी को दूर करने की भी कोशिश करेगा। पार्टी प्रेसिडेंट और GTA के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा भी बिजनबाड़ी मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन 2024 के इलेक्शन पर किए गए सीधे सवाल को उन्होंने टाल दिया। हालांकि थापा ने आगे यह कहा कि वह अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने आए थे। उन्होंने लीडर्स के साथ पर्सनली मुलाकात की और GTA के संबंध में कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें वोट दिया है और उनके वेलफेयर के लिए अच्छा काम करना होगा। बिजनबाड़ी मीटिंग के दौरान BGPM ने प्रत्येक GTA कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 7 प्रेसिडेंट को भी नियुक्त किया।